ये है फर्स्ट वीडियो, यानी कि जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि इंट्रोडक्शन है बेसिकली। सो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन जो कि है हमारे चैप्टर का नाम। सो इंट्रोडक्शन एक ऊपर से ही डिस्कस करूंगा क्योंकि डिटेल में तो हर एक वीडियो में करना ही है। सो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन ये है क्या? ये है लाइट की प्रॉपर्टीज, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रेक्शन है, उसी तरीके से इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन भी है। तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ना कब स्टार्ट की? हमने पढ़ना स्टार्ट की इससे पहले वाले चैप्टर में जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वहां पे हमने देखा कि न्यूटन ने कुछ प्रिंसिपल बनाए, ह्यूजेंस ने कुछ बनाए, मैक्सवेल ने कुछ बनाए, मैक्स प्लैंक ने कुछ बनाए। सो हमने काफी सारे पर्सपेक्टिव देखे हर एक के प्रिंसिपल और हर एक के थ्योरीज के, और फाइनली हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल कंसिडर किया जिससे हमने रिफ्लेक्शन प्रूफ किया, रिफ्रैक्शन प्रूफ किया लाइट का। ओके सो ये दोनों चीजें करने के बाद हमने दिखाया कि लाइट के पास पोलराइजेशन भी है। तो हम तीन प्रॉपर्टीज लाइट की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस चैप्टर में हम कौन सी दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे? इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन। सो 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली दो चैप्टर्स हैं बेस्ड ऑन लाइट। अब इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन अगर आसान भाषा में मैं बता दूं, इंटरफेरेंस मतलब इंटरफियर करना। ओके इंटरफियर करना, तो यहां भी ट्यूबलाइट जलाई, यहां भी ट्यूबलाइट जलाई, तो जो बीच में रोशनी होगी वो क्या होगी? वो होगी ज्यादा। ज्यादा क्यों? क्योंकि यहां से भी लाइट गिर रही है, यहां से भी लाइट गिर रही है। मैं यहाँ पे क्रूड भाषा में बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लेवल पे डीप जा ही नहीं रहा हूं। सपोज ये बल्ब है तो इतनी रेंज ये कवर कर रहा है। ओके बल्ब जलाया, इतनी रेंज कवर कर रहा है, इतनी लाइट दे रहा है, ठीक है। बाजू में दूसरा बल्ब लगाया तो वो भी इतनी लाइट देगा अगर सेम वोल्ट का है। सो कुछ ऐसा बनेगा उसका डायग्राम। सो ये सेक्शन आप देख सकते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट ने आपस में इंटरफेयर कर दिया। सो ये है इंटरफेरेंस फिनोमेना जो डीप में हम पढ़ेंगे। अब डायफ्रेक्शन का क्या है? अब सपोज यहां से मैंने कुछ लाइट सोर्स रखा और यहां से लाइट पास की। ओके यहां से लाइट निकल रही है, बट यहां पर सपोज कुछ मैंने ऑब्स्टेकल रख दिया, यानी कि रुकावट रख दी, पेन की निब रख दी, ये मार्कर की निब रख दी, यहां से लेजर लाइट मारी, लेजर लाइट मार के यहां पर पेन की निब रख दी, तो यहां पर लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। ये भी हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। सो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है और बस लाइट बेंड होती है। डिटेल हम बाद में ही देखते हैं क्योंकि फिर इंट्रोडक्शन जैसा इसमें नहीं बचेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। सो इस फिनोमेनोम को सुपरफिशियली कहते हैं इसको इंटरफेरेंस ही कहते हैं और इसको डिफ्रेक्शन ही कहते हैं। सो इंटरफेरेंस मतलब क्या? लाइट इंटरफेयर करे जब आपस में। अब कैसे वो सब पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन एंड सब कुछ, सुपरफिशियल है ये। डायफ्रेक्शन मतलब क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज डायफ्रेक्शन। सो ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन और हर एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारी प्लेलिस्ट में बने रहिए तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सो ठीक है, धन्यवाद।